बदमाशों ने सिपाही को गोली मारी है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। एक सिपाही घायल हुआ है, हायर सेंटर रेफर किया गया। अशोक कुमार को अरेस्ट करने के लिए टीम गई थी। धरनी धीरपुर नगरिया गांव का यह मामला है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कन्नौज से, इस वक्त की बड़ी खबर। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त की। कन्नौज से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर वहां पर हमला हुआ है, यह बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज से। बदमाश के लिए टीम वहां पर गई थी, फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। तैनात हूँ और अभी थोड़ी देर हो गई, जिसमें एक बिशुनगढ़ थाने का कांस्टेबल घायल अवस्था में यहाँ लाया गया। उनके साथियों द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी है, जिसका फर्स्ट एड दे के और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या गोली लगी थी कि आपने जो हेड किया फर्स्ट? उसमें एक ही गोली लग रही थी, एक तो एंट्री वुंड था और एक एग्जिट वुंड था। तो कहाँ पर गोली लगी थी? ये थाई में, बीच थाई में लगी थी। और बातचीत करने के लिए लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। लोकेश, कब की ये घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ये आपको बता दें, लगभग ये दो घंटे पहले की घटना है। ये वारंट, कुर्की का वारंट लेकर ये टीम उससे घर गई थी। ये अपराधी का नाम है अशोक कुमार मुन्ना लाल यादव, इसका वारंट था, इसको लेकर वहाँ टीम गई थी। टीम जब वहाँ पहुंची तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही है सुनील राठी, उसके पैर में जो है गोली लगी हुई है। और जब उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई तो वहां पर पुलिस टीम पहुंची और जो घायल सिपाही था उसको लेकर अस्पताल लेकर आई, और अस्पताल से वहां उसको हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव का ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ही नहीं दुनिया भर में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। नए साल से पहले कोरोना वायरस हल्का की तरह एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पिछले 24 घंटों में 628 कोरोना के मामले सामने आए हैं। नए साल से पहले कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 628 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या 4054 तक पहुंच गई है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम JN.1 वेरिएंट की बात करें तो उसके 63 मामले सामने आए हैं। केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में केरल में 128 मामले सामने आए हैं। तो जिस कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट का सब वेरियंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। न्यूज 18 पर हेल्थ एक्सपर्ट से जानिए कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। अगर नए वेरिएंट की बात करें, JN.1 कितना खतरनाक है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो JN.1 है, एक्चुअली ये सब वेरिएंट है, यानी मेन जो COVID-19 वायरस है उसको जब भी हम देखते हैं तो उसकी जीनोमिक एनालिसिस होती है हर वायरस की। अभी लगातार जब से पैंडेमिक आया है लगातार एनालिसिस चल रही है, और उसकी वजह से जो भी ज़्यादा म्यूटेशन शो करते हैं उनको हम अलग अलग वेरिएंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट आया था वो ओमिक्रॉन था, जो अभी रिसेंटली था। उसके बाद उससे सिग्निफिकेंट म्यूटेशनल चेंजेस जो है, यानी आम भाषा में बोले कि म्यूटेशन हेल्प करता है एक वायरस को हमारे इम्यून सिस्टम को छकाने में, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन देने में, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाने में, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति को जल्दी हो सके। तो JN.1 की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, म्यूटेशंस का नंबर भी हाई है, यानी ये जल्दी एक से दूसरे आदमी को हो सकता है, बट इसके सिम्टम्स अभी तक जो रिपोर्टेड है वो बहुत माइल्ड है। आपने बताया सिम्टम्स जो रिपोर्ट हैं वो बहुत ही माइल्ड है, पर अगर मुझे जुकाम हुआ है तो क्या लगभग इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं? हाँ, जुकाम से इसके इतने सिमिलर सिम्टम्स हैं कि ये बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई बिल्कुल ऐसा सिम्टम नहीं कि ये सिम्टम आया तो बिल्कुल कोविड ही होगा, क्योंकि ये सीजन ऐसा है जिस समय जाड़े के समय में एलर्जी के केसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे फ्लू के वायरसेस के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इनके अलावा कोविड भी है। तो कोविड का कोई ऐसा डिस्टिंक्टिव सिम्टम अभी तक अलग नहीं किया गया है। जी।
जिससे हम बता सकें कि ये कोविड ही है। डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जी बोले, कि जेएन वायरस के कुछ सिम्टम जो हैं पुराने कोविड की तुलना में थोड़े अलग हैं। जैसे इसमें लोगों को लूज मोशंस भी लग रहे हैं, पेट भी खराब हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, और जुकाम जो है वो लंबे टाइम तक चल रहा है, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं ठंड लग गई है या कुछ भाका खा भी लिया होगा, लेकिन ये सिम्टम्स पुराने कोविड की तुलना में थोड़े से बिल्कुल। यही मेरा अगला सवाल था कि ओमिक्रॉन के तुलना में ये कितना खतरनाक है और हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना इसमें है या नहीं? क्योंकि ये ओमिक्रॉन की सब लाइनेज है, मतलब ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, तो उसकी तुलना में ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा माइल्ड बताया जाए। WHO ने भी इसको बोला है कॉज ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज वायरस ऑफ इंटरेस्ट, नॉट वायरस ऑफ कंसर्न। इन दोनों में फर्क है। वायरस ऑफ इंटरेस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और अभी तो लगभग 27% जो कोविड केसेज है वेस्टर्न कंट्रीज में वो JN1 से हो रहे हैं, जो पहले 5-7% हो रहे थे। क्योंकि तेजी से फैलने की क्षमता है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। लेकिन इसके जो सिम्टम है माइल्ड हैं, कोई ज्यादा इसमें अभी तक ऐसा नजर नहीं आया कि पुराने कोविड की तुलना में या ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए खबरों